आगरा छावनी से विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी चंद्रसेन टपलू का आज अचानक निधन हो गया। टपलू के निधन से आगरा में सपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि आज सुबह में चंद्रसेन टपलू के सीने में तेज दर्द होना शुरू हो गया, जिसके बाद परिवार वाले उनको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण आगरा के डॉक्टर ने तुरंत दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उनका निधन हो गया। ये आकस्मिक जो घटना हुई है, इसने हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्येक नेता, कार्यकर्ता, चाहे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कार्यकर्ता की ये निजी हानि बात समाजवादी पार्टी की नहीं है। शहर ने एक बहुत अच्छे व्यक्ति को खो दिया है और मुझे नहीं लगता कि इस क्षति को कैसे भी हम पूरा कर पाएंगे। केवल पार्टी का नेता नहीं, इस इलाके के हर व्यक्ति का एक परिवार का सदस्य था। चंद्रसेन टपलू समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। वे पहले आगरा नगर निगम से पार्षद चुने गए, उसके बाद उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के रूप में छावनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहते हुए उन्हें बहुत कम अंतरों से हार का सामना करना पड़ा।